की मैस्केट का नाम है कमलनाथ, जो आपके पास आए थे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यहां सरकार चोरी की गई और जिस 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी और कांग्रेस ने परफॉर्मेंस दी थी, अब लोग उसी बदलाव को वापस चाहते हैं, चोरों को बाहर और सच को वापस मध्य प्रदेश की सत्ता पर बिठाना चाहते हैं। आप मुझे लगता है आज आए हैं भोपाल, और एक ट्वीट आज आपका है, मैं ट्वीट पर जिक्र करना चाहता हूं। शिवराज सरकार से विज्ञापनों में बची है करोड़ों से खरीदे इम्पैक्ट फीचर की झूठी खबर। तो विज्ञापन तो सभी कर रहे हैं, कर्नाटक में भी विज्ञापन हो रहा है, उसके नेशनल में छपते हैं, तो प्रचार तो करना ही चाहिए ना। आप कोई समाचार पत्र उठाइए, और मैं विज्ञापनों के खिलाफ नहीं हूं, नहीं तो न्यूज 18 भी कैसे चलेगा। आप बिल्कुल चाहिए ना, सबको चाहिए, तो इसलिए मैं कोई विज्ञापन के खिलाफ नहीं। पर अगर आप झूठे अखबार इम्पैक्ट फीचर के नाम पर 50-50 लाख के 6-6, 7-7 पन्ने छपवाएंगे तो किस प्रकार से प्रदेश चलेगा? क्या मैं एक उदाहरण दूं? यहां महिला सशक्तिकरण की बहुत बात हो रही है आजकल, लाडली योजना, लाडली बहना की, उज्ज्वला बहना की। अब मैं आपको एक चौंकाने वाला तथ्य बताता हूं। यहां बोर्ड पढ़ा होगा आपने, 82 लाख उज्ज्वला बहनों को हम सस्ता गैस सिलेंडर देंगे। पहली बात तो 18 साल बाद उज्ज्वला बहनों की याद भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी को आई। पिछले साल की ही बात देख लें, पिछले साल 44 लाख उज्ज्वला बहनों ने उन 82 लाख में से एक सिलेंडर भी नहीं भरवा पाई, और 18 लाख उज्ज्वला बहनों ने एक ही सिलेंडर भरवाया। तब 450 का सिलेंडर क्यों नहीं था? क्योंकि इलेक्शन नहीं था। तो 2 महीने पहले आप इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं, उसका लाभ क्या है? लाडली बहना पे आ जाइए, उन लाडली बहनाओं को आपने कह दिया 450 का सिलेंडर देंगे। आप उस ट्विटर की बात कर रहे थे, तो मैं आपके लिए 2 चीज लाया हूं, और ये मैं नहीं कह रहा। मुरैना में 3,41,000 लाडली बहना हैं, उनमें से फायदा मिलेगा 957 को, ये मैं नहीं कह रहा, ये आज का अखबार है। तो 3,41,000 में से 957 यानी 99.99% को नहीं। भिंड भी देख लीजिए, भिंड में 2,69,000 लाडली बहना है, फायदा मिलेगा 300 को, यानी 99.99% को मिलेगा ही नहीं। अखबार में इश्तहार छाप दिए 25 करोड़ के, फायदा मिलेगा मुश्किल से 2,000 को। 2,000 का गैस का सिलेंडर अगर दे भी दें आप उनको 500 रुपए का फायदा, तो 10 लाख भी नहीं हुए, और 25 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च दिए। तो क्या ये सही है? मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं प्रतीक भाई। ठीक है, आपने एक तुलनात्मक अध्ययन किया, इसका जवाब सरकार के पास है, सरकार के लोग नुमाइंदे जो हैं, मंत्री जो हैं, इसका जवाब अपनी तरह से दे रहे हैं। जरूर, उन्होंने कहा कि आप भी उसी पिच पे खेलने आए जिस पिच पर आप ये आंकड़ों की बाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा आपने तो गंगा जल तो आप भी पटवाना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए, भारत की संस्कृति में गाय भी है, माँ गंगा भी है, माँ नर्मदा भी है, माँ कावेरी भी है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आप हो, मैं हूं, हम सबके लिए ये पुण्य है। इसका राजनीति से क्या लेना है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं प्रतीक भाई जी, धर्म की राजनीति और राजनीति के धर्म में अंतर है। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। जिस दिन शिवराज जी ये समझ जाएंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं आइए आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि इसका जवाब आप कैसे देते हैं। तो आपने तो बहुत अच्छा जवाब दे दिया, लेकिन जो सनातन पे बोलते हैं उनके खिलाफ तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप कह देते हैं ये तो उनका मसला है, ये वो जाने, हम नहीं बोलेंगे। जी नहीं, मुझे लगता है आपके ब्यूरो चीफ यहाँ है जी, उन्होंने 6 दिन मुझसे सवाल पूछा, जरूर उनसे। मैंने आपका तो देखा सवाल, कांग्रेस पार्टी, लेकिन हमारा स्टैंड क्या है?
पहली बात तो सनातन है क्या, मैं अगर आप मुझे 30 सेकंड दें, 35 सेकंड, धन्यवाद, मुझे मालूम है आप लिबरल हैं, उदार हृदय हैं, ये 5 सेकंड मेरे अंदर मत शामिल करिएगा, पर सनातन इस देश के लोग हैं। जब आप व्यापम में 1 करोड़ बच्चों का भविष्य खा जाते हो तो आप सनातनी कैसे हो सकते हो? जब आप कोरोना में, मैं नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, कोरोना में मुर्दों का इलाज करके पैसा खा जाते हो तो आप सनातनी कैसे हो सकते हो? सनातनी तो वो किसान है निमाड़ के जो आज नंगे होकर, आप जानते हैं मैं भी किसान हूं और आप भी किसानी से जुड़े हैं, किसान जान दे देता है अपना कपड़ा नहीं उतारता। आज निमाड़ का किसान अर्ध नगन होकर बैठा है और मुख्यमंत्री जो है उड़न खटोले में इश्तेहार दे तो रहे, वो जो कह रहे हैं वो सही है। देखिए सनातन परंपरा है, युग युगांतर से चलती आई है, चलती रहेगी। सनातन को एक व्यक्ति नहीं मिटा सकता। जो ये समझते हैं एक व्यक्ति की भाषा से सनातन मिट जाएगा, स्टेटमेंट शुड बी वेरी क्लियर, या तो वो अन्य भिग हैं। आप स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको लेफ्ट और राइट जाने की जरूरत नहीं। आप ये कहिए कि जिन्होंने कहा उसको कि वो एड्स है, जी किसी ने कहा कि वो कुष्ठ रोग है, किसी ने कहा ये, तो उसके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज होना चाहिए कि नहीं आप जानते ही नहीं है सनातन को और आपने सनातन को समझा ही नहीं। कि जिसकी इतनी उदात्त विचारधारा हो जो ये कह रहा हो कि सनातन में तो ये आता है ये आता है, तो वो ये क्यों नहीं कह पा रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? उदय सनातन परंपरा युग युगांतर से चलती आई है और चलती रहेगी। एक व्यक्ति वो कितनी भी गलती या ज्ञान से ये बात कहे उससे ये मिट नहीं सकती, ये हमारा मत है। मैं आपका एक पॉइंट लेता हूं, एक शब्द मैंने लिया वो अज्ञान, आपने बोला अज्ञान, और मैं मान के चलता हूं कि आपने कहा कि अज्ञान से मिट नहीं सकता, और ये मेरे लिए, मैं मानता हूं कि आपने उनके लिए बोला कि वो अज्ञानी है, उनको नहीं मालूम कि सनातन क्या होता है। कमिंग टू द पॉइंट, बड़ी अच्छी तस्वीर आई राहुल गांधी की स्टेशन से, आनंद विहार रेलवे स्टेशन से, सच में अच्छी लगी मुझे। जो कहना इसमें क्या, कहने में क्या, वो अगर ताली बजा रहे हैं तो ढंग से बजाइए, ना बजा रहे तो ना बजाइए, अच्छी लगी तस्वीर हमें। तस्वीर मुझे वो भी अच्छी लगी थी जो जनेऊ उन्होंने पहन रखा था, तो क्यों जरूरत पड़ रही है? लोगों ने कहा कि उसके बाद मुझसे ही पूछा मंत्री ने, मैंने जब सवाल किया बोले 5 साल में वो लौट के क्यों नहीं आए उज्जैन, इन 5 सालों में वो क्यों नहीं आए, एक बार आए उसके बाद नहीं आए, तो ये तस्वीर दिखाने की क्या जरूरत होती है? जब सनातन इतना बड़ा है, विराट है, अद्भुत है, तो जरूरत ही नहीं है ये सब करने की। मेरी आस्था मेरे विश्वास का विषय है, मेरी आस्था पर मैं वोट नहीं मांगूंगा, ये कांग्रेस है। शिवराज की आस्था, शिवराज सिंह चौहान की आस्था, भारतीय जनता पार्टी की आस्था वोट बटोरने का विषय है, और इसीलिए उनके लिए जो गाय माता है वो मिजोरम और गोवा में यम्मी और यहां मम्मी बन जाती है, ये प्रतीक भाई अंतर है उनमें और हम में। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आस्था का सम्मान तो करना ही चाहिए ना, आप अगर कहीं किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो वो तो गलत है, बिल्कुल गलत है। आप अगर कह दें कि सनातन का मतलब ये होता है तो ठेस पहुंचती है और वो सहिष्णु है तो आपको समझ में भी आता है। मैं आता हूं कि राहुल गांधी की वो तस्वीर के बारे में, तो वो वहां भी रेलवे स्टेशन पर भी गए और वहां ट्रक वालों के साथ भी थे वो, और ढाबे वालों के साथ बैठ के, मिस्त्रियों के साथ, मैकेनिक्स के साथ, करोल बाग में थे दिल्ली, तो आखिर ये क्यों जरूरत है, इसकी करने की क्या जरूरत है? पहले तो सवाल के लिए साधुवाद, हमारे समाज में वो मध्य प्रदेश हो पूरा देश हो, इस समय अथाह पीड़ा है, अथाह पीड़ा है, वो कई बार 5 तारा होटल में नजर नहीं आती, वो मिस्त्री हैं, वो ठेले वाले हैं, वो खोमचे वाले हैं, वो जूते की मुरम्मत करने वाले हैं, वो आपका वजन उठाने वाले हैं, वो आपकी सफाई करने वाले हैं, वो दूसरे हमारे जो मित्र हैं जो हाथ का काम करने वाले हैं, वो ट्रक ड्राइवर हैं, वो क्लीनर हैं, जो ये हॉल जब
हाँ आप चले जाएंगे, इस हॉल की पूरी सफाई करने वाले हैं, उनका दर्द जब तक आप नहीं समझेंगे, जो अथाह दर्द से पीड़ित हैं, जो भाजपा के द्वारा दी गई महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित हैं, तो आप तब तक नहीं समझ पाएंगे कि ये मुल्क है क्या। इस मुल्क को बनाने वाले और चलाने वाले वो मेहनतकश हाथ हैं जिनको कहीं ना कहीं हमने सूने कोने में छोड़ दिया है। और अगर राहुल गांधी जाकर उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ, उनकी मुसीबत और उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं अगर प्रतिबिंबित करते हैं, तो ये किसी भी विपक्षी नेता का कर्तव्य होना चाहिए, कि कर्तव्य बोध है राहुल गांधी का। और अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूं कि अच्छी बात है और अच्छी तस्वीर थी, लगी, देखी। लेकिन आपका दोहरा मापदंड यहीं पे नजर आता है, जब प्रधानमंत्री कोविड के समय में जब वो निर्माण कार्य चल रहा था जनपद राजपथ पर, तो वो तमाम सारे मजदूरों से मिल रहे थे, जब नई पार्लियामेंट बन रही तो वो मजदूरों से, तो आपके मजदूर तो मजदूर, प्रधानमंत्री जिनसे मिले वो मजदूर नहीं, ये कैसा मापदंड? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। आप आदिवासियों पर पेशाब करो फिर उनके पांव धो दो, आप आदिवासियों को सर पे जूती से मारो उसके बाद उनको माला पहना दो, आप इसी प्रकार से कुंभ के मेले में जो गरीब हैं उनको प्रताड़ित करो उसके बाद एक फोटो खिंचवा लो उनके पांव को हाथ लगा के, ये ढोंग है, प्रपंच है, और इस ढोंग और प्रपंच से हमें बचने की आवश्यकता है। ठीक है, मैंने कहा कि आप कहते हैं ये ढोंग है, प्रपंच है, उस कोने पे विपक्ष को ये दिख सकता है और वो देख रहा है, वो अपने हिसाब से व्याख्यायित करे, लेकिन अगर कोई पैर धो रहा है कुंभ में मेले में, तो कोई डुबकी भी तो लगा रहा है गंगा में, तो वो कैसे माने कि वो सही है और जो पैर धो रहा है वो नकली है? उसके लिए आपको पहले उनके सर पर पेशाब करने की जरूरत नहीं, ना करें तो पांव धोने की नौबत नहीं आएगी, तो पांव धोने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने कहा कि कोई किसी ने गंगा में तो डुबकी भी लगाई ना। मैं आपको आपके नाम से एक बात बताऊं। जी स्वागत है। जब आप प्रतीक का स्वांग करें तो वो गलत है। आप मुझे बताइए, आदिवासी भाइयों को उनका अधिकार और सम्मान दे दीजिए, किसान को उनका अधिकार और सम्मान दे दीजिए, दलित को उनका और पिछड़ों को अधिकार और सम्मान दे दीजिए, क्या जरूरत है पांव धोने की? उनका सम्मान उनके सशक्तिकरण से होगा, प्रतीकात्मक स्वांग और प्रपंच से नहीं। अच्छा है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर किसी को अधिकार मिलता है और अधिकार डिलीवर कर दिए जाते हैं तो ये बेहद सामंजस्यपूर्ण स्थिति बनती है समाज में। लेकिन वो लोग ये भी तो कहते हैं कि आपने तो इतने साल कहा तो गरीबी तो नहीं हटा पाए, नाराही भर तो रही आपकी। अब क्योंकि हम मध्य प्रदेश से हट गए, पर आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। याद करिए 2004 से 2014 के बीच में लगभग 28 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। कोई ऐसा देश नहीं जहां 100% गरीबी दूर हो गई हो, परंतु उन 10 वर्षों के कार्यकाल में एक तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ी 8% की दर से, मोदी जी ने बड़े आंकड़े चेंज कर लिए, सब कुछ चेंज कर लिया, फिर भी आपको हमेशा ये क्यों लगता है कि वो चेंज करते हैं? जोर लगाओ, आपको हमेशा ये क्यों लगता है कि वो चेंज करते हैं? आप बताइए, तो न्यूज 18 ने कई बार दिखाया, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा। देखिए बड़ी सिंपल बात है, आंकड़ों का मापदंड आप बदलते रहिए, फिर भी जोर लगा के आप 5% तक 6% तक नहीं ला पा रहे। कांग्रेस ने जो अधिकार के सूत्र बांधे थे, वन और जंगल का अधिकार आदिवासियों के लिए, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, ये एक अधिकारों का सूत्र बांधा था, उससे गरीबी दूर हुई थी। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन उसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी संसाधनों का समान वितरण। सरकार की ये जिम्मेवारी है कल्याणकारी के संसाधनों का वितरण हो। आप यहां देखिए, 100 रुपए में बिजली देते थे कमलनाथ, 100 रुपए में 100 यूनिट जी। और अब हम दोबारा देंगे, 100 रुपए माफ, 200 का बिल हाफ। आप करें तो ठीक और दूसरा करें तो रेवड़ी। रेवड़ी किसने कहा? हमने कहा, हम करें
हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वो करें तो रासलीला। चलिए कुल मिलाकर कैसे चलेगा? सबने अपने अपने वादे जो महिला, है जनता महिला के सामने रखे हैं। बहुत धन्यवाद सर राइजिंग एमपी के इस मंच पर आने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर किस रणनीति के तहत जो है वो कांग्रेस घेरेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में।